तो गायस जब आप इग्निशन ऑन करोगे तो सबसे पहले ये स्क्रीन आती है कुछ ऐसा इन्फोटेनमेंट सिस्टम आप लोगों को इस गाड़ी में मिलता है इज एन इंच यूनिट थिंग्स कुड बेटर मुझे लगता है इन्फरटेनमेंट सिस्टम होंडा सिटी फिफ्थ जनरेशन का एक वीक पॉइंट है सो लेट मी शो यू वट आर द फीचर्स डेट यू गेट सबसे पहले आप लोगों को रेडियो मिलता है जिसमें आप लोगों को अलग अलग चैनल्स आप यहाँ पर सेव कर सकते हो एंड उसके बाद आप लोगों को एक यूएस कनेक्टिविटी भी मिलती है इस कार में स ओवर हेयर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वाला जो यूएस बी पोर्ट है वो ये रहा और एक नॉर्मल यूएस बी ए पोर्ट आपका यहाँ पर मिल जाता है एंड ओवर हेयर यू गेट अ ट्वेल्व वोल्ड चार्जिंग सॉकेट एक चीज मुझे जरूर अच्छी लगती है इस कार के बारे में अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा इस यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों को एक लाइट भी मिलती है विच एट नाइट थ्रोज लाइट ओवर ऑल दिस सो विच इज अ वेरी नाइस एड ऑन इन दिस कार तो so, यहाँ पर अगर आप अपनी पेन ड्राइव लगाओगे सो यू विल बी एबल टू एक्सेस इट फ्रॉम हियर तो जो इंफरटेनमेंट सिस्टम है उसका यूजर इंटरफेस मुझे बहुत ही सही लगता है इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली इट्स एक्चुअली क्वाइट बेसिक सो वेल द नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू गेट ओवर हियर इज द ब्लूटूथ ऑडियो अगर कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड है तो आप उससे यहाँ पर म्यूजिक प्ले कर सकते हो ओनली द ऑडियो सॉन्ग्स कैन बी प्लेड नेक्स्ट एप इज द फोन टैब ओवर हियर अगर आपका अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है ब्लूटूथ से तो यू विल बी एबल टू मेक कॉल्स थ्रू दैट नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव ओवर हियर इज एप्स और जो ये एप्स वाला जो ऑप्शन है दिस इज नथिंग बट योर एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वेल सो नाव लेट्स जस्ट हेड इन टू सेटिंग्स एंड सी वट ऑप्शन डू वी गेट ओवर देयर तो सेटिंग्स में गाइस सबसे पहले आपको लैंग्वेज ऑप्शन मिलता है और जो कि बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस का सपोर्ट नहीं मिलता है बट हाँ थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस जरूर हैं बहुत सारी कार्स में आपको खाली टच बटन ही मिलते हैं लेकिन आपको यहाँ पे एक्चुअल बटन मिल जाते हैं विच इज अ वेरी नाइस थिंग वेल द सेकेंड ऑप्शन दैट यू गेट इन सेटिंग्स इज द ब्लूटूथ ऑप्शन वेर इन यू कैन एड और डिलीट योर ब्लूटूथ डिवाइसिस और उसके बाद ये आपकी ऑडियो सेटिंग्स है जो कि अगर आप चाहें तो स्पीकर बेस और ट्रेबल यहां से मैनेज कर सकते हैं बैक जाने के लिए ये वाला बटन है और वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए ये है और अगर आप पावर बटन दबाएंगे तो फिर गाना अगर चल रहा है तो पॉज हो जाता है और अगर आप पावर बटन को दबाए रखोगे तो स्क्रीन हो जाती है बंद विच इज नाइस द द नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन दैट वी हैव इज डिस्प्ले जहां से आप ब्राइटनेस कम ज्यादा और कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा कर सकते हैं देर इज ऑल्सो हिडन ऑप्शन ओवर इज वॉल पेपर तो अगर आप लोग कोई पेन ड्राइव यहाँ पर कनेक्ट करोगे गाइड विच विल हैव एन इमेज तो आपको यहाँ पर एक यूजर इमेज का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है विच इज ग्रेड आउट वो एक्टिवेटेड मिलेगा एंड यू कैन एक्चुअली पुट अ वॉल पेपर ऑन योर स्क्रीन बाकी थीम्स मिलते हैं आपको तीन ही थीम्स मिलते हैं ब्लू ग्रीन और रेड जो कि आप यहाँ से चूज कर सकते हैं मैंने रेड चूज किया हुआ है उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्लॉक भी मिलता है द क्लॉक सेटिंग्स इंक्लूड द ऑन स्क्रीन क्लॉक एंड ट्वेंटी फोर आवर टाइम जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद गाइज यहाँ पर एक ओपनिंग स्क्रीन भी है जब हमने गाड़ी का इग्निशन ऑन किया था तो एक होंडा का लोगो आया था अगर आप चाहते हैं कि होंडा का लोगो ना आए और आपका कोई पर्सनलाइज इमेज आए तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं वो यूजर इमेज का भी ऑप्शन ग्रेड आउट है आपको वही काम करना पड़ेगा पहले पेन ड्राइव में वो इमेज डालना पड़ेगा कनेक्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पर वो ऑप्शन भी आपको दिखाने लगेगा उसके बाद हमारे पास ये स्मार्टफोन ऑप्शन आता है जिसमें कि आईफोन और एंड्रॉयड फोन की सेटिंग्स हैं। सो हियर यू विल गेट द लिस्ट ऑफ आईफोन्स दैट हैव बीन कनेक्टेड टू दिस इन्फोरटेनमेंट सिस्टम एंड यू कैन चूज कि जब वो आईफोन आपके इन्फोरटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट हो तो उससे एप्पल कारप्ले खोलना चाहिए या वेबलिंक खोलना चाहिए वेबलिंग इज अ स्क्रीन मिररिंग टूल ऑफ दिस इन्फोरटेनमेंट सिस्टम तो वेबलिंक की मदद से आप अपने फोन की स्क्रीन को अपने इन्फर्टेनमेंट सिस्टम पे मिररर कर सकते हैं इट कैन बी यूज टू ओपन यूट्यूब एंड प्ले वीडियोज ऑन द स्क्रीन एंड सेम गोज फॉर एन एंड्रॉइड फोन एज वेल यहाँ पर भी आपको एंड्रॉयड ऑटो या वेबलिंक का ऑप्शन मिल जाता है सो नेक्स्ट अप इज द रियर कैमरा तो दीज आर द रियर कैमरा सेटिंग्स गाइज अगर मैं आपको रियर कैमरा इंगेज करके दिखाता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर आपको तीन व्यूज मिलते हैं एक तो ये व्यू है एक आपका और वाइड व्यू मिलता है और एक खाली आपका डाउन व्यू मिलता है सो दीज आर द्री व्यूज दैट यू गेट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैमरा क्वालिटी तो काफी मीडियोकर ही है गाइजेस एंड यू डोंट इवन गेट एडेप्टिव गाइडलाइंस इस गाड़ी में लेन वॉच नहीं आता है बिकॉज दिस इज द बेस मॉडल ऑफ द कार लेन वॉच इज ओनली अवेलेबल इन द इनलीस वेरियंट ऑफ ऑनडा सिटी उसके बाद गैस बस आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन और लाइसेंसिस और नीचे एक फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन मिलता है एंड दैट्स अबाउट इट सो दीज आर दैट वी गेट ओवर हियर विद दिस सिस्टम तो गैस जैसा कि आपने देखा कि इंफोटेनमेंट सिस्टम बुरा नहीं है लेकिन अगर हम इसके कोरियन काउंटर पार्ट को कंसिडर करें तो कॉम्पिटिशन में तो ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम मुझे नहीं लगता कहीं स्टैंड करता है दिस इज एक्चुअली द वीकेस्ट लिंक इन दिस कार लेकिन बेस मॉडल में कम से कम इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता तो है वेल दैट इज समथिंग वर्थ नोटिंग वेल बिकॉज कुछ कोरियन कॉम्पिटिटर्स में तो बेस मॉडल से इन्फोर्टेनमेंट सिस्टम ही हटा रखा है बट एनी वे आई थिंक द इन्फोटेनमेंट सिस्टम इज क्वाइट फ्लूड यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है ब्राइटनेस भी अच्छी खासी है मुझे उसमें भी कोई इश्यू नहीं आया है द इशू दैट आई हैव इज द कैमरा क्वालिटी बहुत ही दो कौड़ी की क्वालिटी का कैमरा लगा रखा है होंडा ने इसमें उसपे होंडा को बहुत ही काम करने की जरूरत है अदर देन दैट आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में बेसिक फीचर सारे मिल ही जाते हैं एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार की वायर्ड कनेक्टिविटी आपको मिलती है वायरलेस नहीं मिलती है बट दैट्स टू मच टू आस्क इन द बेस मॉडल ऑफ अ कार लेकिन गैस द फनी थिंग इज कि आपको जेड एक्स वेरियंट जो कि टॉप मॉडल है होंडा सिटी का उसमें भी आपको वायर्ड कनेक्टिविटी ही मिलती है अदर गुड थिंग इज की इंटरटेनमेंट सिस्टम के साथ आपको कनेक्टेड कार कार्डेक मिलता है इस कार में और वो कनेक्टेड कार कार्डेक आपको पूरे 5 साल के लिए मिलता है राइट फ्रॉम द बेस मॉडल जो कि कंपटीशन ऑफर नहीं करता है और जो कनेक्टेड कार कार इस में आपको मिलता है दैट इज एलेक्सा इनेबल्ड तो आप घर पर बैठे बैठे भी एलेक्सा से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फ्यूल लेवल ऑफ माई कार इज द टायर प्रेशर ऑफ माई कार आपको हॉन्डा कनेक्ट एप में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कई चीजों के लिए विच इज समथिंग दैट आई हैव लाइक बस कैमरा क्वालिटी और ये अगर सुधार देते तो बहुत ही बढ़िया हो जाता ऑल्सो आई होप होंडा विल फिक्स ऑल ऑफ दैट इन द फेस लिफ्ट ऑल्सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है उससे सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ड्राइव सेफ एंड एंजॉय द ड्राइव